आज आपके लिए लूज मोशन पर वीडियो बनाई जा रही है। लूज मोशन यानी कि दस्त, पतले दस्त, पानी की तरह दस्त। और ये होते क्यों, ऐसे कारण है जब हमारे शरीर में खाने के साथ या किसी भी तरीके से कोई इंफेक्शन या बैक्टीरिया चला जाता है तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दूषित हो जाता है, जिसके कारण और किसी भी आदमी को लूज मोशन हो सकते हैं। और इसमें रोगी बार बार शौचालय के लिए जाता है और उसको पानी जैसे दस्त होने लगते हैं, तो ऐसे में शरीर में पानी की कमी भी होने लगती है। तो इसके लिए जैसे कि आपको पता ही है कि ORS का घोल भी बार बार उबले हुए पानी में बनाकर लेना चाहिए, और जब भी आप पानी पिए तो उबला हुआ पानी ही पिए। जब भी आपको लगे कि लूज मोशन अब कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं तो आप डॉक्टर की सलाह भी जरूर ले सकते हैं और उनसे ट्रीटमेंट करा सकते हैं। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के द्वारा जो ये प्रोटोकॉल आज बताए जा रहे हैं, ये अनेक रोगियों पर चेक किए जा चुके हैं और इनके परिणाम काफी पॉजिटिव मिले हैं और लूज मोशन रुक जाते हैं। तो इस प्रकार मैंने भी इस ट्रीटमेंट को कई बार यूज किया है और ये सही साबित हुए हैं। तो आप भी इन प्रोटोकॉल को तुरंत लूज मोशन होते ही लगा सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी अवस्था में लाभ प्राप्त ना होने पर डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए। तो अब आपको बताते हैं कि लूज मोशन का ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में किस प्रकार किया जाता है। हमारी आयुर्वेदिक नंबर सिस्टम वाली वीडियो थी, उसका आई बटन इधर दिखाई दे रहा है, आप इसको दबाकर हमारी उस वीडियो में उंगलियों पर, ज्वाइंट्स पर, उंगलियों के ज्वाइंट्स पर जो ऑर्गन होते हैं उन पर आप मैग्नेट किस प्रकार लगाएंगे, टेन ओरिजिन सिस्टम को किस प्रकार उन पर व्यवस्थित किया गया है, ये हमारी नंबर सिस्टम वाली वीडियो में आपको मिलेगा। तो अब आपको प्रोटोकॉल की तरफ ले चलते हैं। यहां पर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताए जा रहे हैं। इसमें हमें पेपर टेप और आयुर्वेदिक बियोल मैग्नेट की आवश्यकता पड़ेगी। ये मैग्नेट एक तरफ से पीली होती है और एक तरफ से सफेद, ये आपको पहली वीडियो में भी बताया जा चुका है। यहां पर हम जो फिंगर लेने वाले हैं अपने दोनों हाथ की, वो लेंगे बहुत स्मॉल फिंगर, वी का मतलब है वात ज्वाइंट्स, और प्रोटोकॉल है 249 सैडेशन, इनकी एनर्जी को कम किया जाएगा। 056 टोनिफिकेशन, ये ऊपर को जाने वाला एरो का निशान, टोनिफिकेशन यानी कि इनकी एनर्जी को बढ़ाया जाएगा। अब यहां पर आपको दिखाया जा रहा है कि ये हमारा लेफ्ट थंब, तो ये उंगली स्मॉल फिंगर है, लेफ्ट स्मॉल फिंगर, और जो ये पहला ज्वाइंट है इसको बोलेंगे वात ज्वाइंट, और इसमें इसको SI ज्वाइंट भी बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि यहां पर जो ज्वाइंट है ये छोटी आंत का ज्वाइंट है, और इंफेक्शन जो आता है वो SI में आएगा, LI यानी कि बड़ी आंत में भी जाएगा और स्टमक में भी जाएगा सबसे पहले। तो SI और LI यानी कि खाना खाने के 3-4 घंटे बाद जब लूज मोशन हो जाते हैं तो वो LI और SI के, SI और LI का ट्रीटमेंट करेंगे तो ठीक हो जाता है। तो प्रोटोकॉल 249056 किस प्रकार से लगाएंगे। अभी हम चलते हैं यिन साइड में, तो लेफ्ट हैंड की यिन साइड यानी कि ये जो स्मॉल फिंगर की उंगली है इस पर हम सेंटर में एक मैग्नेट लगाएंगे,
जीरो। अब जीरो के बराबर में वन होता है और वन के बराबर में फोर, ये आपको पिछली वीडियो में बताया गया था नंबर सिस्टम, तो इसको आप नंबर सिस्टम की वीडियो से देख सकते हैं। जीरो वन फोर वन लगाना नहीं है क्योंकि प्रोटोकॉल में नहीं है, तो फोर फोर को हमने क्या करना है, सेडेशन, और सेडेशन को हम बोलते हैं वाई बी एम, यानी कि येलो मैग्नेट लगानी पड़ेगी यहां पर फोर नंबर पर, और जीरो फाइव सिक्स इसको बोलेंगे डब्ल्यू बी एम, व्हाइट बियोल मैग्नेट लगाने के बाद व्हाइट दिखाई देंगी, यानी कि जीरो पर जब मैग्नेट लगाएंगे तो ये लगाने के बाद आपको व्हाइट दिखाई देने वाली है, और ये दोनों मैग्नेट आपको येलो दिखाई देंगी। तो जब हम फोर नंबर की मैग्नेट लगाएंगे तो ये लगाने के बाद त्वचा पर येलो दिखाई देगी, और उसके बाद टू नंबर, ये टू नंबर सेडेशन है तो इसको हमने वाई बी एम लगाना है टू नंबर को, और टू के बाद थ्री आता है और थ्री के बाद सिक्स आता है, तो ये सिक्स जब इस हाथ को हम ऐसे पलटेंगे तो अंगूठे की साइड इधर हो जाएगी और ये हमारी स्मॉल फिंगर का यांग साइड वाला भाग आ जाएगा, यानी कि ये यांग साइड वाला भाग है स्मॉल फिंगर का जिधर नाखून होते हैं, तो इसमें सेंटर में जो पॉइंट आएगा वो नाइन आएगा, और नाइन यहां पर सेडेशन है, यानी कि इसको वाई बी एम लगाएंगे, लगाने के बाद येलो दिखाई देगा। उसके बाद आप फाइव और सिक्स को देखें तो ये डब्ल्यू बी एम, यानी कि लगाने के बाद दोनों हमें वाइट मैग्नेट दिखाई देगी, और आप इसको बॉर्डर लाइन पर पांच फाइव और इधर की बॉर्डर लाइन पर सिक्स, बीच का सेंटर ये खाली छोड़ देंगे आप, बीच का स्थान खाली रहेगा, तो यहां सिक्स आएगा यहां फाइव आएगा, और इनको आप डब्लू यानी के वाइट दिखती हुई लगाएंगे। तो इस प्रकार से ये ट्रीटमेंट हमने लेफ्ट स्मॉल फिंगर में बताया, इसी ट्रीटमेंट को आप राइट स्मॉल फिंगर में भी करेंगे, राइट स्मॉल फिंगर के वात ज्वाइंट पर भी यही प्रोटोकॉल देने पड़ेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है बहुत स्मॉल फिंगर, तो यहां पर दोनों स्मॉल फिंगर के, दोनों स्मॉल फिंगर के वात ज्वाइंट पर यह ट्रीटमेंट समान लगाना पड़ेगा, और इसको लगाने के दो चार घंटे में ही आपको काफी आराम मिलना शुरू हो जाता है। इस प्रोटोकॉल में अब हम आपको बताते हैं कि ये तीन मैग्नेट लिए हैं हमने, और सेंटर में आपको ये दिखाई जा रही है इस तरीके से जीरो, और उसके ऊपर की तरफ टू और वन छोड़ दिया गया है, उसके बाद फोर है, तो इनको लगाने के लिए अब जैसे मुझे लेफ्ट हैंड में लगाना है तो लेफ्ट हैंड में स्मॉल फिंगर का वाच ज्वाइंट ये वाला, इस ज्वाइंट का जो, इस ज्वाइंट पर जो तत्व आता है, ऑर्गन आता है हमारे शरीर का, वो आता है एस आई, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, तो हम छोटी आंत के ज्वाइंट पर सबसे पहले जीरो और उसके बराबर टू और फोर, तो ये मैग्नेट इस तरीके से हमने टेप पर लगा रखी है। अब सेंटर में जीरो रख दीजिए बिल्कुल सेंटर में उंगली के, और उसके बराबर में टू और फोर साइड में आ जाएगा, तो ये मैग्नेट इस प्रकार से ये वाली आपको उंगली में लगी हुई दिखाई दे रही है, तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं इनको। अब हम चलते हैं यांग साइड में, यानी कि हाथ के पीछे की ओर की साइड जिधर नाखून होता है। अब इसके लिए हमने क्या करना है, जीरो तो लगा दिया और इसमें हमने लगाया टू और ये फोर, ये आगे की तरफ इन साइड में आते हैं, और जो फाइव से नाइन तक के अंक हैं वो यांग साइड में आते हैं, ये आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर एक नाइन लिया है जिसको हमने सेडेशन दिखाया है, और फाइव सिक्स को टोन करना है, तो टेप पर इस प्रकार से ये मैग्नेट लगा लेंगे जो आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। अब आगे इसको मैं लगाने के लिए आपको बताता हूं कि जो उंगली है यांग साइड की, सेंटर में एक मैग्नेट वाई बी एम
और उसके बाद ज्वाइंट में दोनों तरफ, वाच ज्वाइंट के दोनों तरफ ये 5 और 6 की मैग्नेट बॉर्डर लाइन के पास चली जाएंगी। तो इस प्रकार ये जो प्रोटोकॉल लगाए हैं ये लेफ्ट स्मॉल फिंगर के वाच ज्वाइंट पर लगाकर दिखाए गए हैं आपको। इसी प्रकार से आप राइट स्मॉल फिंगर में भी, राइट स्मॉल फिंगर में बड़ी आंत का ज्वाइंट होता है, तो राइट स्मॉल फिंगर में लार्ज इंटेस्टाइन यानी के बड़ी आंत, क्योंकि बड़ी आंत के बाद जो मल है वो बाहर आता है लास्ट में, और इसलिए हमने लार्ज इंटेस्टाइन पर भी ट्रीटमेंट करना है। तो इसके लिए फिर वही राइट हैंड लेंगे और इसके सेंटर में एक मैग्नेट और 2014 इधर आएगा अंगूठे की तरफ और 23679 आता है बाहरी साइड में। तो सबसे पहले हम सेंटर में 0, उसके बाद एक 2 ये आ गया और उसके बराबर में 4 चला जाएगा इस प्रकार से। तो ये मैग्नेट 0 to 4 आई है और 0 से 4 तक की मैग्नेट आगे की साइड में यिन साइड में आती हैं और 5 to 9 की जो मैग्नेट्स होती हैं वो यांग साइड में आएंगी। तो इसके लिए टेप पर दूसरी तरफ ये फिर एक बार फिर ये मैग्नेट आपको दिखाई जा रही हैं और इसमें 9 सीटेशन है, 5-6 टोनिफिकेशन है। तो इस प्रकार से ये मैग्नेट अब हम यांग साइड में यानी कि हाथ के पीछे की तरफ इस तरीके से मोड़ लीजिएगा आप ज्वाइंट को। ऐसे मोड़ने से आपको ज्वाइंट साफ चमकेगा और इसी के सेंटर में 9 यानी कि एक मैग्नेट सेंटर में रख दीजिएगा और 5-6 साइड में चली जाएंगी बॉर्डर लाइन के पास जहां पर व्हाइट और ब्लैक बॉर्डर होता है उंगली का। तो इस प्रकार से ये मैग्नेट आप 6-8 घंटे 10 घंटे लगा के रखें और लूज मोशन में आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये दोनों हाथों में मैंने आपको लगा के दिखाई और इस प्रकार से ये आप लगा सकते हैं। स्टमक में चूंकि कोई इन्फेक्शन गया था तो यहां पर भी आप चाहें तो 0 को टोन और 9 को सिडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए स्टमक के इन्फेक्शन के लिए आप स्टमक ज्वाइंट आता है हमारा राइट रिंग फिंगर के वाच ज्वाइंट पर, तो यहां पर हम सेंटर में बिल्कुल एक मैग्नेट टोनिफिकेशन करेंगे 0 पर और 0 के पीछे 9 आता है तो यहां पर हम ऐसे मोड़ेंगे उंगली को, इससे ज्वाइंट साफ साफ दिखता है और इसी के सेंटर में आप 9 को सेडेशन करेंगे, एनर्जी को घटाएंगे। तो 0 टोन और 9 सेडेशन इस प्रकार से किया जाता है। अब मैं बात करता हूं कि यहां पर जो प्रोटोकॉल है इसमें ये प्रोटोकॉल कैसे बना, ये जो प्रोटोकॉल है कैसे बनाया गया, ये 2-4-9 यानी कि 2 क्यों लिया गया, 4 क्यों लिया गया, 9 क्यों लिया गया, इस पर भी चर्चा करता हूं आपसे जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये नंबर सिस्टम में किन तत्वों को लिया जाता है, किनको टोन करना पड़ता है और किनको सेडेशन करना पड़ता है, किसकी एनर्जी को घटाना है, किसकी एनर्जी को बढ़ाना है। तो यहां पर हमने दो नंबर क्या होता है, वायु विंड, क्योंकि लूज मोशन में आवाज आती है और स्पीड भी तेज होती है तो इसलिए हमने वायु को, क्योंकि वायु भी निकलती है लूज मोशन में तो वायु को भी कम करना पड़ेगा इसलिए सेडेशन किया। वायु और 4 नंबर जल होता है तो 2 नंबर वायु होती है, 2 नंबर वायु और 4 नंबर जल यानी कि वाटर, लूज मोशन में जल भी निकलता है तो इसको रोकना पड़ेगा, इसके लिए इसको कम करना पड़ेगा, सेडेशन करना पड़ेगा। 9 है ये प्रकाश है और ये आत्मा है तो हम आत्मा को घटाएंगे और 0 अंधकार यानी कि तम तत्व है, इस तम तत्व को हम 0 मानते हैं और 0 होता है तम तत्व, तो
तो यहां पर हम इसकी एनर्जी को बढ़ाएंगे, यानी कि अंधकार को बढ़ाएंगे और आत्मा को घटाएंगे, तो जो इन्फेक्शन है, कीटाणु है, बैक्टीरिया है, वो मर जाएंगे हमारी छोटी आंत या बड़ी आंत से या स्टमक ज्वाइंट से। इसलिए यहां पर 0 को टोन और 9 को सेडेशन किया गया है। अब बात करते हैं कि लूज मोशन में जल भी ज्यादा होता है, निकलता है, और वायु भी ज्यादा निकलती है, इसलिए सेडेशन किया। अब यदि मल को गाढ़ा करना हो, रोकना हो, तो रोकने का काम, जल को रोकने का काम कहीं पर भी देख लीजिए आप, इस पृथ्वी पर भी जल ज्यादा हो जाए तो उसको बांधने का काम केवल एक ही तत्व कर सकता है, वो है मिट्टी। तो यहां पर हमने अर्थ को टोन किया है, जिससे जल जो ज्यादा निकल रहा है हमारे लूज मोशन के द्वारा, और उससे कहीं शरीर में परेशानी ना हो जाए, डायरिया की समस्या यानी कि पानी की कमी हो जाएगी, तो इसको रोकने के लिए पृथ्वी तत्व को बढ़ाया गया है। और 6 नंबर होता है काल। काल स्पाइन से संबंधित है और ये बढ़ाया गया है, तो इससे दस्त को रोकने में, जल को रोकने में और लूज मोशन को रोकने में ये सहायक होगा, तो इसको इसलिए टोन किया गया है। तो ये जो जल्दी जल्दी दर्द हो रहे हैं, इसको काल के द्वारा बढ़ाया गया है कि इनके बीच जो दस्त जल्दी जल्दी आ रहे हैं वो रुक जाएं। वैसे जब जल ज्यादा निकलने लगे तो मैंने देखा है कुछ कि यदि मैं यहां पर अग्नि को भी बढ़ा दूं, अग्नि 3 नंबर होता है, 3 अग्नि होता है, मैंने अग्नि भी बढ़ाकर देखा है, तो अब जब दस्त रुक नहीं पाते तो मैं अग्नि को भी बढ़ा देता हूं, तो उससे भी दस्तों में ज्यादा फायदा लगता है और इन्फेक्शन भी मर जाता है। तो यहां पर अग्नि बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ा के देख सकते हैं, मैंने बढ़ा के देखी है और काफी फायदा मिला है। वैसे आप चाहें तो इतना प्रोटोकॉल भी काम करेगा। और इनको जिन्होंने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग ले रखी है वे ही इसको अच्छी तरह लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या के लिए आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। कैसा लगा आपको यह वीडियो? क्या आपको यह वीडियो वाकई अच्छा लगा, या लगता है कि यह वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है जो इस बीमारी से पीड़ित है, तो उनको यह हेल्प आउट कर सकता है? तो आप अपने व्हाट्सएप पर जाइए और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स और मिलने वालों के साथ शेयर करिए। शेयर करने से जीवन में भी खुशहाली आएगी और वह आपको थैंक्स बोलेगा, और इससे मेरा यह एक छोटा सा मैसेज तमाम जरूरी लोगों तक पहुंच जाएगा। कैसा लगा यह वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा या कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या आपका कोई भी सवाल है तो जरूर लिखिएगा। अच्छा लगा तो शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। नए हो तो सब्सक्राइब करिए और पुराने हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। आज की वीडियो में इतना ही, और एक बार फिर नई वीडियो के साथ फिर वापस आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।